तक मीता के घर काम करने गई नहीं? मैं अब वहाँ काम नहीं करती भाभी, मैंने आप पास ही में दूसरा छुट्टा काम ले लिया है। हैं? ऐसा क्यों? वहाँ काम बहुत होता है ना भाभी, इसलिए। किसका बाप है तेरे पेट में? किसका बाप है? उस वॉचमैन का ना? बोलती क्यों नहीं? चिल्ला क्यों रही है? तू मंजू रो क्यों रही है? अपने कर्मों का भुगत रही है पेट से महारानी। क्या? मंजू बता, बच्चे का बाप कौन है? बता। ना बताना ना बताए, वैसे भी हम कौन सा इस पाप को अपने घर पालेंगे? सामान बांध और निकल मेरे घर से। चल भाभी, निकल भाभी। सर, पास के झोपड़पट्टी वाले को नाले में थैलिया मिली है, इस थैली के अंदर बॉडी के टुकड़े मिले। सर देखकर लगता है स्टैबिंग के बाद बॉडी के टुकड़े करके यहाँ पे डंप कर दिए। चेहरे की फोटो खींच के सारे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, मंजू काले नाम है, उम्र 17 साल। सर कुछ दिन पहले हिंजेवड़ी पुलिस स्टेशन में उसने एक कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर मंजू घर में काम करने वाली बाई थी, सर उसने शिल्पा माथुर और उसके भाई सत्यम राठी के खिलाफ कंप्लेन की थी कि वो उनको सैलरी नहीं दे रहे। और उनका क्या कहना है? सर शिल्पा का ये कहना है कि मंजू ने उनके घर पे चोरी की थी, मंजू को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा भी था, इसलिए उसको बाद में नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, ओके सर। सर की शिल्पा और उसके भाई को बुला लो। सर 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 चोर थी वो। पहली बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, 5,000 रुपये निकले थे उसके पर्स से, लेकिन तब मैंने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मैंने उसे 3,000 रुपये के साथ रंगे हाथों पकड़ा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि उसे नौकरी से निकालना होगा। उस पर तरस खा के मैंने काम पे रखा था, एक नंबर की कामचोर थी वो, काम पे कम और घर के बाकी सामानों पे ज़्यादा नज़र थी उसकी। और तो और सर थोड़ी मूडी भी थी, इन लोगों को बस मुफ्त का पैसा चाहिए होता है। वैसे तो मंजू मेनली नवीन और बलराज के घर पे काम करती थी, पर उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने उसे पार्ट टाइम जॉब पे रख दिया था। पर मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पे ही चोरी करेगी। गणेश भाई, सर मंजू जहाँ जहाँ काम करती थी ना, वहाँ वहाँ के एड्रेस जरा लिखवा दीजिए। ये भाई बहन की डिटेल्ड बैक स्टोरी निकालो। सर मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मंजू की मौत 15 नवंबर की रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हुई थी। और सर मौत का कारण है पेट में मल्टीपल स्टैबिंग, गुलाड़ी या किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और सर मर्डर के समय वो 6 वीक प्रेग्नेंट थी। मंजू के माँ बाप को बुला के उसकी पहचान करवाओ और ये जहाँ जहाँ वो काम करती थी उसे जाके मिलते हैं। ठीक है। सर हमें नहीं पता पिछले एक महीने में उसके साथ क्या चल रहा था। हाँ सर, हमारे यहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया था और वो नीतू, उसके पास तो वो काम करती थी। नीतू हमारे यहीं पे बगल में रहती है सर। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो। तो उसने आपके घर से काम क्यों छोड़ दिया? पता नहीं सर, हम तो उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। इनफैक्ट मैंने उससे कारण भी पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बताया। आपको पता था मंजू प्रेग्नेंट थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो तब पता चला जब नीतू ने उसको काम से निकाला। प्रेग्नेंट थी वो और बता भी नहीं रही थी कि बच्चा किसका है। हमारे घर में जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ता, इसलिए मुझे उसे काम से निकालना पड़ा। मंजू ने आपको बताया था वो कहाँ जा रही है? अपने गांव अंबे गांव जाने वाली थी वो, अब एक हफ्ते पहले, है ना? हाँ। आपको पता मंजू का रिलेशन किसके साथ था? मेरा मतलब है उसके बच्चे का बाप कौन होगा? मुझे पक्का यकीन है वो हमारा वॉचमैन ही है, देवेंद्र नाम था उसका। घंटों बातें करते रहते थे वो। एक दिन तो मैंने देखा था मंजू के गले में हाथ डाल के खड़ा था वो। मंजू अंदर आजा, क्या करे उधर? हमारा शक तो तब गहरा हुआ जब मंजू के जाने के अगले दिन ही
देवेंद्र ने भी काम पे आना बंद कर दिया। उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताया कि उसे कहीं और जॉब मिल गई है। मंजू की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ था? नहीं नहीं सर, उसकी तो किसी से भी कोई बातचीत नहीं थी, वो तो अपने आप में ही रहती थी। ये वॉचमैन का क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र यादव। उसका नंबर दे दीजिए। सर, देवेंद्र यादव ने बताया कि वो सतारा में जॉब करता है। उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। और सर, ये शिल्पा के भाई सत्यम को जुए की लत है। इसने बहुत सारे लोगों से पैसे भी उधार ले रखे। इतना नहीं, इसने बहुत सारे लोगों से मारपीट भी की है। मतलब हो सकता है कि पैसों का झोल सत्यम ने किया और इल्जाम मंजू पे डाल दिया। सर, सर आपने जिस लौंडे पे नजर रखने के लिए कहा था, वो चारबाग स्टेशन पे एक आदमी से मिला और वो लड़का आगरा के लिए निकल चुका था, तो आगरा के आसपास कहीं हो सकता है। पता कीजिए फोरेंसिक में जो मोबाइल भेजे थे एनालिसिस के लिए, वो हुआ कि नहीं। यस सर। यादव जी से पैसे मिल गया ना, वहां से 50,000 रुपए निकालो और गांव के बच्चों में बांट दो। सबके हिस्से में इक्वल आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। शिवू किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। कुछ पैसे लो और रीना के उत्तराखंड के प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर कर दो। बाकी के जो पैसे हैं वो मेरे दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उस्ताद से मेरी बात हो गई है, अब से इंडिया में कोई खर्चा नहीं होगा। यादव का दूसरा इंस्टॉलमेंट आता ही होगा, अब कहाँ से कलेक्ट करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे हम लोग है ना, सब मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। लीजिए पानी पीजिए, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या हो भाई, क्या हो रहा है, दावत बात चल रही है क्या? नो सर, भोला जी के पैसे गायब हो गए। पैसे? वो सर ऐसा है कि सुबह सर इधर है वो सर, क्या है ना, सुबह हमारे फोन में मैसेज आया कि आपके खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये बटन दबा दीजिए। तो हम बटन दबा दिए सर, थोड़ी देर में फिर मैसेज आया कि आपके फ़ोन पर OTP आएगा, आप शेयर कर दो। हमने सर शेयर कर दिया, कुछ नहीं हुआ सर जी। आधे घंटे बाद बैंक से फ़ोन आया और हमारे खाते से 6,500 रुपये निकल गए सर। खाते में कुल 8,000 रुपये थे सर। अब बताइए सर, अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे सर? पहले तो रोना बंद कीजिए, ये बताइए फिशिंग समझते हैं? हाँ सर, वो मछली पकड़ना। पूरी दुनिया को पुलिस समझाती है सतर्क रहिए सतर्क रहिए, वो लोग आप ही को चूना लगा गए ना, फिशिंग हुआ है आपके साथ। अवस्थी, जिस नंबर से मैसेज आया ना उसको ट्रेस करवाइए फटाक से। यस सर। बटन दबाना बंद कीजिए इस तरीके से, तो जाती रहेगी हर महीने की तनख्वाह। जी सर। अच्छा सुनो, तुम्हारा एक हेल्प चाहिए था ऑफ द रिकॉर्ड। ये क्या है, हमें पता होता तो देते तुम्हें। तो पुलिस पता नहीं करेगा क्या? इसलिए तो कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। पापड़ के पास से मिला रेड के दिन। हेलो, अगला इंस्टॉलमेंट रेडी है शिवानी जी? जी, लेकिन इतने दिनों में अभी तक मेरे हस्बैंड की कोई अपडेट नहीं आई है। इसमें कितना पैसा और कितने दिन लगेंगे मुझे कुछ तो बताइए। आपको पता ही है बहुत सारे मोहर हैं, उसके ऊपर राजा महाराजा, अब तो बिजनेस फैमिली से है ना, ये पुलिस प्रशासन ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। कल का एड्रेस मैसेज कर दो। ठीक है। सर,
भोला जी को जिस नंबर से मैसेज आया था वो ट्रेस हो गया। सुबेरे हमारे फोन में मैसेज आया, 6500 रुपए निकल गए सर। पटना में रजिस्टर्ड है किसी सुरेश सिंह के नाम से। तो जाकर देखिए एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है वहाँ पे और किसी कांस्टेबल को लेकर जाइएगा साथ में। यस सर। जी सुरेश जी। मैं तुझे क्या लगा तू हाथ नहीं आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने फोन से फ्रॉड करेगा, लोगों के पैसे उड़ाएगा, पुलिस तक को नहीं छोड़ेगा? मैम हमने कुछ नहीं किया है। देखिए हमारा फोन हैक हुआ था, हमने कंप्लेन करवाई थी, हमारी बीवी से पूछिए आप। देखिए उसको भी गलत गलत मैसेज आ रहे थे। नहीं नहीं मैडम एकदम सच कह रही है। आपके लिए खाना बना रहे हैं, आते आते भूख लग जाएगी ना आपको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.